मुझे वो मार्फत चाहिए जो आपके असली वारस तक पहुँचा दे। हाँ दी जायमन, जुम्मे का दिन, जुम्मे का दिन ही इमाम से मंसूर किया गया है। कहते हैं जुम्मे के दिन ही इमाम जहूर फरमाएंगे। जुम्मा आता है और आकर चला जाता है। आखिर हम इमाम को कितना याद करते हैं, इमाम का कितना इंतजार करते हैं। आखिर कहाँ इमाम, वो इमाम जो पढ़ते गैबत में हमसे शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, हमारे शिद्दत से इंतजार करते हैं। आखिर उनको भी लगना चाहिए कि हाँ कोई मेरा भी इंतजार कर रहा है। जब हमारे घर में कोई आता है तो हम कितनी सजावट कितना सजाते हैं, मगर अफसोस जो 1100 साल से नहीं आ रहा, हम उसके लिए क्या करें? कभी सोचा, कभी गौर किया? हाँ जी जाने वाले, जब हमारे माँ बाप हमसे दूर चले जाते हैं तो हम फोन पे भी बात नहीं करते तो हम बेचैन हो जाते हैं। वायरों हम पे हम इमाम से कितना रابطہ रखते हैं। हम अपनी अपनी जिंदगियों में आधा घंटा या सिर्फ एक घंटा, सिर्फ 5 मिनट भी हमने अपने इमाम को दिया है। जहाँ मैं हूँ और मेरा इमाम हूँ। हाँ जी जाने मन, एक आलिम की इमाम से मुलाकात हुई। उसने देखा इमाम की आंखें छोटी हैं। कहा, उसने पूछा, मौला क्यों, ऐसा क्या है? मौला ने जवाब दिया कि मैं रोज गिरिया करता हूँ। कहा, मौला क्यों गिरिया करते हैं? मौला ने जवाब दिया कि जो रोज अलजल अलज कहकर अपनी दुआओं में पुकारते हैं, लेकिन जब मैं उनके अमाल देखता हूँ, वो अमाल मुझे खून के आंसू रुलाते हैं। मैं उनके लिए इस्तग़फ़ार करता हूँ। ये जुल्म नहीं है कि अकेला हमारे लिए इस्तग़फ़ार कर रहा हूँ? अपनी जिंदगी में मगन है, किसी रात भी हमने अपने अमाल में नजर ना डाली। मौला हमसे सवाल कर रहे हैं, कहाँ हूँ मैं तुम्हारी जिंदगी में, कहाँ है वो मार्फत जिसकी इमाम को जरूरत है? अलजल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा, अलजल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश हम करेंगे क्या? बीत गए जमाने मौला चले आओ, बीत गए जमाने मौला चले आओ, कसम बीत गए जमाने मौला चले आओ, 1100 वर्ष तुम पे क्या बीती होगी, कसम है रदाए फातिमा की, निगाहें मुंतजर हैं चले आओ।